देखिए, बड़े मुश्किल में डाला है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ने, बड़ा मायूस किया है, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ। और यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना और उसकी 70% पॉपुलैरिटी को के वोटर्स जो है, जो हमने एक फैक्ट्स एंड फिगर दे दिया था कि अगर आपके पास इस वक्त 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है और हमारी 70% उसकी पॉपुलैरिटी है और हमारे मोर देन 7-8 करोड़ वोटर्स जो है वो सारे कन्फ्यूज़ होंगे कि कितने निशानात पे करेंगे। बट हमने एक स्ट्रेटेजी सर अब ये बनाई है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो फाइनल है और वो बाइंडिंग भी है, इन एनी केस वो तो इम्प्लीमेंट होना ही होना है, डिस्पाइट ये कि हमारी रिजर्वेशन है एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रिव्यू फाइल करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि जिस वक्त हम रिव्यू फाइल करेंगे, इंशाल्लाह कोई भी बेंच बैठेगा लीगली और आइनी तौर पर देखेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा, ये डिसीजन सेटिसाइड होगा। लेकिन फॉर नाउ वी से कि ये इसको छोड़ दे, जो पास्ट आज तक जो हो गया सो हो गया, अब सीज फायर करो, प्रोसीड टू द फ्यूचर। रिव्यू फाइल नहीं, नहीं रिव्यू फाइल करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना फ्यूचर के लिए हमारी प्लानिंग यही है कि जो हो गया अभी तक वो तो हो गया, हमारा सिंबल चला गया। अब हम चाहते हैं कि फ्यूचर पे खान साहब के जो मैसेज है कि आप इलेक्शन करें, डटे रहें, आप तसल्ली के साथ रहें, हौसले के साथ बढ़े, आप जो है ना घबराएं नहीं, आप कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट भी हो। लेकिन हमारे जो सपोर्टेड कैंडिडेट होंगे उनके हम नाम और उनके निशानात अपने वेबसाइट पे देंगे। जनरल पब्लिक से हम अपील करेंगे कि यही हमारे कैंडिडेट से आप उनको सपोर्ट करें ताकि हम पावर में आए, ताकि हम सिस्टम को चेंज करें। हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन जिस सिस्टम को बना के हमें निशाना बनाया गया, हम चाहते हैं कि रिफॉर्म ले। लिस्ट आप क्यों जारी करेंगे? क्या आपको खदशा है कि कुछ दीगर उम्मीदवार जो हैं वो भी आपका नाम इस्तेमाल करके हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, वो तो मुख्तलिफ, अब हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के सिंबल चूँकि ना होने की वजह से वो एक सिंबल पे नहीं लड़ रहे, और हर कैंडिडेट का अलग से सिंबल है। तो हर कैंडिडेट का अलग से सिंबल का एक मकसद यही हुआ। फॉर इंस्टेंस, मैं बीइंग अ चेयरमैन भी लड़ूंगा तो मेरे में निशान दिया हुआ अचानक, अब मैं अगर उसके निशान से लड़ूंगा तो लोगों को क्या पता होगा। तो इसलिए हमने अपने वेबसाइट पे देना है कि जो कैंडिडेट जिस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है उसका इंतखाबी निशान ये है।